श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शुक्राचार्य, भार्गव या कवि, इनका नाम शुक्र कैसे पड़ा। एक्चुअली में शुक्राचार्य कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनको शुक्र नाम कैसे मिला और कब मिला, इस विषय में वामन पुराण में कहा गया है। दानवराज अंधकासुर और महादेव के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अंधक के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होकर कुजंब आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदि गण महादेव से कहने लगे कि जिन दैत्यों को मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते हैं, ऐसे में हमारे बल पड़ोस का क्या महत्व है। यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुख से निकलकर उदरस्थ कर लिया, अपने पेट में डाल लिया। उदर में जाकर कवि ने शंकर की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अभी भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में विचरते रहे, पर कोई छोर नहीं मिलने पर पुनः शिव स्तुति करने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए, अतः मेरे शिश्न से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शिश्न से निकल आए और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का कारक भी शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।